हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे में एनटीपीसी की नई वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके बाद जो है सबसे बड़ा सवाल और कन्फ्यूजन कैंडिडेट्स के मन में यही है कि इसमें एक नई वैकेंसी जोड़ी गई जिसका नाम है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो ये वैकेंसी क्या हो, इस ये पोस्ट कौन सी होती है, इसका पे लेवल क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या मांगा जाने वाला है। फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी आई है एनटीपीसी की वैकेंसी में। तो दोस्तों, कैंडिडेट्स को इस पोस्ट का बड़ा फायदा होने वाला है और अब सारा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, क्योंकि हम आपको 100% ऑफिशियल बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसके बारे में, इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल आपको बता देते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल-पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा एनटीपीसी का असेसमेंट वैकेंसी का जो है जारी कर दिया गया है। इसमें जो है आपको नई पोस्ट देखने को मिल रही है ग्रेजुएशन लेवल पर। आप यहां पर देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि ग्रेजुएट लेवल से मतलब कि नाम से ही जाता है कि ये आपकी जो है डिग्री बेस पर आएगी, मतलब कि आपका ट्वेल्थ के बाद आपका डिग्री होना चाहिए। जैसा कि आपका बीए हो, बीकॉम हो, या फिर बीएससी, बीसीए, या फिर आपका जो है इंजीनियरिंग डिग्री हो, जो भी हो आपके पास, तो डिग्री होना चाहिए। तो इसमें देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। टोटल 1737 वैकेंसी पूरे आरआरबी जोन में, 21 आरआरबी जोन में मिलाकर के आएगी। तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है फर्स्ट टाइम इसको। तो देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर रेलवे बोर्ड के द्वारा जो एक लेटर निकाला गया था, जो कि 28/6/2023 को निकाला गया था, आरबीई 85/2023, इसमें आपका जो है दिया गया था सब्जेक्ट मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ टीसी कमर्शियल क्लर्क सीसी एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क ईसीआरसी कंटिन्यूंस ऑफ इनटेक ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस, मतलब कि यहाँ पर जो है सबको मर्ज वगैरह करने की बात कही गई थी इस तरह से कुछ डिपार्टमेंट्स को, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ पोस्ट को। यहाँ बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखा है जो पुराने आरबी वगैरह जो जारी किए गए थे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हम सबसे नीचे आएंगे तो देखिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर नीचे एनेक्सर ए में। तो दोस्तों, एनेक्सर ए में आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। तो थर्ड नंबर की आपके पोस्ट दिखाई देगी, देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो ये पहले जो है पे बैंड लेवल 2 के अकॉर्डिंग पोस्ट थी, 9300 से 34800, इस तरह से जो इनका पे बैंड दिया गया था। लेकिन अब जो है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में बात करेंगे तो 75% प्रमोशनल कोटे को, 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे को और 10% एलडीसी कोटे को दिया गया है। रेक्टिफिकेशन वगैरह किया गया है, सिलेक्शन इसका जो सुधार वगैरह क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए लेवल एंड रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर, तो देखिए रिवाइज पहले जो है लेवल 2 के अकॉर्डिंग बात थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर लेवल 6 कर दिया गया है। मतलब पहले पे बैंड जो चलता था पे बैंड, तो उसका जो है लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पे बैंड जो है इसका 2 चला था, लेकिन अब जो है इसको रिवाइज़ किया गया स्ट्रक्चर को, तो लेवल 6 की पोस्ट हो गई। देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो है, जहाँ पर आपका सुपरवाइज़र आ गया, मतलब कि आपकी लेवल 6 की पोस्ट हो गई। तो ये लेवल 6 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है और पहली बार ओपन मार्केट से एनटीपीसी के थ्रू आपकी ये वैकेंसी आ रही है, जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है। आगे देखेंगे क्वालिफिकेशन इसके लिए जो और ट्रेनिंग एज वगैरह जो मांगी गई है। तो देखिए डीआर, मतलब कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कि 15% की आपकी जो वैकेंसी अभी आई है एनटीपीसी के थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग उनका क्वालिफिकेशन जो है ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 18 से 30 साल। देखिए आपको पता है कि ये ग्रेजुएट की पोस्ट है, क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है, तो आपके पास कोई भी एक डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन की और 18 से 30 साल की उम्र होना चाहिए, और प्लस इसका आपको अभी 3 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ओबीसी वालों को 5 साल का जो है, एससी एसटी वालों को मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद ही प्रॉपर ट्रेनिंग विल हैव टू बी इम्पार्टेड टू द एम्प्लॉयज़ एज पर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो मौजूदा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए कैंडिडेट्स को, क्योंकि यहाँ पर जो है पहली बारी वैकेंसी ये निकाली गई है एनटीपीसी के थ्रू, इसलिए बोला गया है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफाइड कैडर जो दिया गया है, तो इसमें 47% का जो है डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। तो यहाँ पर लेवल 6 की पोस्ट है, आप सभी को पता चल गया। तो अच्छी खासी यहाँ पर कैंडिडेट्स की जो है पेमेंट बनने वाली है, अगर वो इसमें कैंडिडेट जो है ज्वाइन होते हैं। तो बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी दोस्तों, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पहली बार एनटीपीसी के थ्रू वैकेंसी आई है, और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल वीडियो भी बता दी है कि इसका पे स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्वालिफिकेशन डिग्री और एज वगैरह कितनी मांगी जाती है, और जो है इसका सैलरी कितना बन सकता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका जो है कितना क्वाटा रखा गया है। तो दोस्तों, बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।